मुझे लगता है कि इसके लिए जेठालाल परफेक्ट रहेगा। क्या है, जेठालाल का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो जेठालाल तुम आराम से कर सकोगे, है ना? हाँ, और जेठा जी अमीर दिखते भी है। उनको दुकान के लिए लेट नहीं हो रहा है? अरे आप अपना देखो भाई, मैं तो सेठ आदमी हूँ, आप नौकरी पैसा आदमी है, आप ऑफिस टाइम पे नहीं पहुँचे तो बॉस गुस्सा करेगा। मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो घर जाकर काम करो। देखो हीरोइन पे तो याद है, कल ही मैंने आपको याद किया। मुझे कैसे? तो कल केबल में पिक्चर देख रहा था, बलम परदेसिया, तो उसमें वो हीरोइन को देख के आप याद आ गए। इतनी फालतू हीरोइन थी वो। आज की औरतें ही बेस्ट है, राइट? नहीं ना बबीता जी, आप बराबर बोल रहे हैं। आज की औरत बेस्ट है, लेकिन आज का जो मर्द है वो ऑल द बेस्ट है। सॉरी अंकल। ये गोलियां सॉरी क्या सॉरी? तुम्हारे सॉरी बोलने से वो वापस पापड़ जुड़ जाएंगे। कोई तो कोई। अरे भिड़े अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके सारे पापड़ खरीद लूंगा। बताइए कितने हुए? पूरे 1,01,000। 1,01,000? वाह वाह वाह। वैसे जेठालाल कितने में पड़ा यार? कितने में पड़ा का क्या मतलब है भाई? 1,01,000 में पड़ा, सब असली नोट है। अरे 5,00,000 क्या, 50,00,000 ज्यादा दोगे तो भी मुझे मेरी दुकान नहीं बेचनी है। तुम्हें तुम्हारी दुकान बेचनी है तो बोलो, अभी खड़े खड़े खरीदता हूँ, बोलो बेचनी है। 24 घंटे के अंदर 1,00,000 रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे? एक बड़ी हस्ती है जो बिजनेसमैन है। कौन, बिरला या टाटा? जेठा। ले चलो मुझे अपने घर ले चलो। अरे एक मिनट, लेकिन ये खटिया को मेहता साहब के घर के अंदर कैसे ले जाएंगे? हाँ। अरे सिंपल है, जेठालाल को खटिया से तो बांध दिया है, इसलिए जेठालाल का गिरने का तो कोई चांस है नहीं। हम खटिया को ऐसा टेढ़ा करके मेहता साहब के घर में गुजर देंगे। हाँ, ऐसे अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करके ऐसे ले जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो उठाते हैं जेठापुरा को खटिया के साथ। एक मिनट भाई, जरा संभल के उठाना। बोलो राम, बोलो भाई राम। राम से निकाल दो, उसको निकाल देंगे बाद में। तुम तो माधवी भाभी के लिए लवली बन सकते हो, हम नहीं बन सकते भाई। जेठालाल, मैं मेरा अपमान करवाने के लिए यहाँ नहीं आता हूँ। अच्छा, तो अपना अपमान करवाने कहाँ जाते हो एग्जैक्टली? क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? बाप रे, व्हाट इज कंफ्यूजन। शेठ जी, धूप और गर्मी की वजह से बदन में शक्कर कम हो जाती है ना, चक्कर आ जाता है। सबसे पहली बात तो बहुत खर्चा हो गया है सोसाइटी का, तो पता नहीं है कब पूरा होगा। माय डियर जीजा जी, मुझे पहले बुला लिया होता ना तो ये सब इंतजाम मैं मुफ्त में करवा देता और सोसाइटी को कुछ कमा के भी देता। बोलो, मैंने इसका बुलाया ही नहीं है। हम रत्नागिरी जाना चाहते हैं और टिकट मिल नहीं रही है, इसे तुम्हें बुलाया। अरे हाँ भिड़े, हाँ। ये जेठालाल से बात क्यों नहीं करता? उसकी बहुत पहचान है, वो कहीं ना कहीं से सेटिंग करके टिकट करवा देगा। तुम जेठालाल से बात क्यों नहीं करते बे? तुम एक काम करो, जेठालाल को फोन करो। ओ जेठापुरा से बात कर। तू रत्नागिरी जाने की तैयारी शुरू कर दे भाई। कुछ शक नहीं। हाँ भाई, हम मिडिल क्लास लोगों के पास कहाँ जाएंगे 500 और 1,000 के नोट। सॉरी बाबू, वो 15,000 रुपया कैश लेके मैं घूमता नहीं हूँ। जेठालाल, तुम्हारे पास तो कैश रहता है ना? पोपटलाल, जेठालाल का भी यही जवाब होगा, अरे 15,000 कैश कोई रखता है? अरे भाई तुम्हें क्या पता, जेठालाल व्यापारी है, व्यापारी लोग बहुत कैश लेके घूमते हैं, नहीं जेठालाल? तुम्हारे पास कैश है अभी जेब में? 15,000? अरे दया भाभी, कितनी अच्छी टोपी पहनी है आपने मिकी की। बहन टोपी पहनती है, भाई टोपी पहनाता है। I am the one, the way, your son don't need a gun to get respect.